प्रभुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय नमो माधव्य शंभो शिव 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 शिव
ಶಿವ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಛಠಾ ಸ್ಕಂದ 11ವಾ ಅಧ್ಯಾಯ 21ವಾ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಂ ಸಮಾದಾಯ ಮನೋ ಯಥಃ ಸಂಕರ್ಷಣಸ್ತಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೇ ತ್ವದ್ವಜ್ರರಂಭೋ ಲುಲಿತಗ್ರಾಮ್ಯ ಪಾಶೋ ಗತಿ ಮುನಿರ್ಯಾಮ್ಯ ಪವೇದಲೋಕಃ. ನಾರಾಯಣ. ವೃತ್ರಾಸುರ ನೆ ದೇವರಾಜ ಇಂದ್ರ ಕೋ ಕಹಾ ಯತೋ ಹರಿರ್ವಿಜಯ ಶ್ರೀರ್ಗುಣಸ್ತಃ. ಜಹಾಂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪರಾತ್ಪರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ಪಕ್ಷಧರ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಹೈ, ಉಸಿ ಕೋ ವಿಜಯ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೈ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ದಿವ್ಯಾತಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಣ ಉಸಿ ಕಾ ಅನುಗಮನ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ತುಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೋ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ತುಮ ಪರ ಪ್ರಮುದಿತ ಹೈ, ಪ್ರಸನ್ನ ಹೈ, ತುಮಾರೆ ಪಕ್ಷಧರ ಹೈ. ಅತ ಚಿಂತಾ ಮತ್ ಕರೋ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ತುಜೇ ಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ. ತುಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಜೋ ವೈಭವ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಭೋಕ್ತಾ ತುಮ ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಬನೋಗೆ, ಔರ್ ತುಮಾರಾ ಯಶ್ ಭಿ ದಿಗ್ದಿಗಂತ ಮೇ ಫೈಲ್ತಾ ಹಿ ರಹೇಗಾ. ಲೇಕಿನ್ ಐಸಾ ಮತ್ ಸಮಝೋ ಕಿ ಮೈ ಹರಿಸೆ ವಿಮುಖ ಹೂ. ಭಗವಾನ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕಾ ಮೈ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ರಹಾ ಹೂ ಔರ್ ಹೂ. ದುರ್ದೈವ ಕೆ ದುರ್ವಿಪಾಕ ಸೆ ಭಗವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶಾಪಿತ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಆಜ ಅಶ್ರೋಚಿತ ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ಸಂಪನ್ನ ಹೂ. ಮೇರಿ ಆಕೃತಿ ಭಿ ಬಹುತ್ ಭಯಂಕರ ಹೈ, ತಥಾಪಿ ಮೇರೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕೆ ಚರಣಾರವಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೈ, ಮೇರಾ ಮನ್ ಉನ್ಮೇ ಸಂಲಗ್ನ ಹೈ. ಮೈ ಭಗವಾನ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕೆ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಉನ್ಹೀ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಮನ್ ಕೋ ವಿಲೀನ ಕರ್ ದೂಂಗಾ. ತೇರಾ ವಜ್ರ ಜೋ ಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ದಧೀಚ ಕಿ ಅಸ್ಥಿಯೋ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಮಹರ್ಷಿ ದಧೀಚ ಕಾ ತ್ಯಾಗ ತಪ ವ್ರತ ಉನ್ಕಾ ದಿವ್ಯ ಬೋಧ ಉನ್ ಸಬ್ ಸೆ ಯಹ ಉದ್ದೀಪ್ತ ಹೈ. ಸಾಥಿ ಸಾಥ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ನೇ ಇಸೆ ವಜ್ರ ಕಾ ರೂಪ ದಿಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ತೇಜ ಸೆ ಭಿ ಯಹ ಯುಕ್ತ ಹೈ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ತುಮ ಇಸ್ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ಕೆ ಮೇರಿ ಜೀವನ್ ಲೀಲಾ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಕರೋಗೆ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹ ಸಮಝ ಲೋ, ಯಹ ವಜ್ರ ಜೋ ಕಿ ತುಮಾರೇ ದ್ವಾರಾ ಮುಜ ಪರ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋನೆ ಹೀ ವಾಲಾ ಹೈ, ಮುಜೇ ನಷ್ಟ ನಹೀ ಕರೇಗಾ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಆತ್ಮ ಅಜರ್ ಅಮರ್ ಅವಿನಾಶಿ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸೆ ಮುಜೇ ಯಹ ಬೋಧ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ. ಮೇರಾ ಜೋ ಯಹ ಶಾಪಿತ ಅಶುಭ ಶರೀರ ಹೈ ಉಸಿ ಕಾ ಯಹ ಅಪಹಾರಕ ಹೋಗಾ ವಜ್ರ, ವಿಷಯ ಭೋಗ ರೂಪ ಫಂದೆ ಕೋ ಕಾಟನೆ ವಾಲಾ ವಜ್ರ ಹೋಗಾ. ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಯಹ ಮುಜ ಪರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾ ಹೀ ಪ್ರಯೋಗ ಹೋಗಾ, ಐಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಮೇರಾ ಭಿ ಭಲಾ ಹೀ ಹೋಗಾ. ಇಸ್ ವಜ್ರ ಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಸೆ ಯಹ ಶರೀರ ನಷ್ಟ ಹೋಗಾ, ಔರ್ ಮೈ
पूरी अष्टक सहित जीव कला फिर भी दिव्य भाव से समन्वित होकर भगवान की उपासना में पूर्वत संलग्न हो सकूंगा, तुम अप्रमत्तता का परिचय दो और अपने वज्र का प्रयोग करके इस अशुभ शरीर का अपहरण कर पार्वती जी के शाप से मुझे मुक्त कर दो, तेरा भी मुझ पर यह अनुग्रह ही होगा। पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराद्य द्वेष उद्वेग आधिर्मद कलिर्व्यसनम संप्रयास। लेकिन ध्यान रखो देवराज इंद्र, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं उनके प्रति जिनके हृदय में अगाध निष्ठा है, अनन्य प्रेमी भगवान के हैं, भगवान के जो अपने पार्षद सरीखे जन हैं उनके प्रति जो समर्पित हैं, न तो उन्हें रसातल का राज्य चाहिए, न पृथ्वी का राज्य चाहिए, न स्वर्ग का राज्य चाहिए, वो त्रिभुवन की संपत्ति से विरक्त होते हैं। वे तो भगवान के ही प्रति समर्पित होकर भगवान को ही चाहते हैं, अन्य कोई रिद्धि सिद्धि के प्रति उनके हृदय में राग नहीं होता। त्रिभुवन का निष्कंटक वैभव भी उनके हृदय को विचलित कर दे, ऐसा संभव नहीं है। कारण क्या है? भगवत भक्त जिनका मन भगवान के स्वरूप में संलग्न होता है वे विवेक संपन्न होते हैं, और विवेक के बल पर उनके जीवन में वैराग्य की प्रतिष्ठा होती है। वे इस रहस्य को जानते हैं कि ये जो रसातल के भूमंडल के स्वर्ग के वैभव हैं इनसे परमानंद की आशा नहीं करनी चाहिए, इनका सेवन करने पर, इनमें रचे पचे रहने पर द्वेष उद्वेग अभिमान मानसिक पीड़ा कलह दुख का परिश्रम ही हाथ लगते हैं। कहने को ये अर्थ हैं, वास्तव में अनर्थ के मूल हैं। अतः अकिंचन जो भक्त होते हैं वे न तो रसातल का साम्राज्य चाहते, न भूमंडल का साम्राज्य चाहते, न स्वर्ग का ही वैभव चाहते। जीवन धन परमात्मा को ही जो धन मानते हैं उनके चित्त को अन्य धन आकृष्ट नहीं कर पाता, उनके लिए तो भगवान ही परम अर्थ होते हैं। परमार्थ का परित्याग करके अनर्थ में हेतुभूत अर्थ को वो नहीं चाहते, कमनीय भगवान ही उनके लिए काम पुरुषार्थ होते हैं। विषयेंद्रिय संयोग सुलभ सुख के वे पक्षधर नहीं होते, सर्वधारक भगवान ही उनकी दृष्टि में परम धर्म होते हैं। ऐसी स्थिति में वे त्रिवर्ग का वर्ण न करके भगवान का वर्ण करते हैं, और जो भगवान का ही वर्ण करते हैं उन्हें मोक्ष तो सुलभ होता ही है, क्योंकि भगवान निरावरण परब्रह्म परमात्मा है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति जो अंतिम उपदेश भगवान का है, वह गीता में जो अर्जुन के प्रति अंतिम उपदेश है उसकी समास शैली में व्याख्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, यह जो गीतोक्त उपदेश है उसी की प्रकारांतर से व्याख्या
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में उद्धव जी के प्रति उपसंहारात्मक वचन के रूप में भगवान ने किए, वो क्या है? एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन का विधान किया गया है। अगर अर्थ पुरुषार्थ चाहिए, अर्थ की समुपलब्धि चाहिए, और क्षत्रिय कोई हो तो दंड नीति को अपनावे, टैक्स ले, कर ले, दंड नीति राजधर्म का एक नाम है, दंड नीति, टैक्स के द्वारा अपराधियों को दंड देकर राजाओं को धन प्राप्त होता है, वैश्यों को कृषि गौरक्ष वाणिज्य वार्ता के माध्यम से धन प्राप्त होता है। अर्थ नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए राज्य, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता होती है। काम नामक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अभीष्ट विषय का सेवन करने के लिए इंद्रियों के साथ उसके संगम रूप योग या संयोग की आवश्यकता होती है। विषयेंद्रिय संयोग से काम सुख प्राप्त होता है। धर्म की सिद्धि के लिए यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता होती है और मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उन्हें एक एक पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए एक एक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरी आराधना से ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। बहुत अच्छा उदाहरण है, ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ भी चल रहा है आजकल। याज्ञवल्क की पत्नी थी मैत्रेयी और कात्यायनी, याज्ञवल्क जी ने दोनों पत्नियों को बैठा कर कहा, प्रचुर धन मेरे पास है, अब मैं गृहस्थाश्रम का परित्याग करके सन्यासी होना चाहता हूँ, तुम दोनों को धन बाँट कर अकिंचन होकर वन में जाना चाहता हूँ। मैत्रेयी ने पूछ दिया, क्या धन से अमृतत्व मिल सकता है? मोक्ष की प्राप्ति धन से हो सकती है? अगर ऐसा ही होता तो अपार संपत्ति आपके पास है, उसका परित्याग करके आप सन्यासी होने का मन क्यों बनाते? याज्ञवल्क जी ने कहा, नहीं, धन से अमृतत्व की आशा मत करो, भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था धन के द्वारा होती है, सामान्य ढंग से सुखमय जीवन भी प्राप्त होता है, लेकिन अमृतत्व या मोक्ष धन से संभव है ऐसा मत मानो। तब मैत्रेयी ने कहा, मुझे उस धन को दीजिए जिस धन से मोक्ष प्राप्त होता है, मुझे तो ज्ञान रूप धन को दीजिए। तो याज्ञवल्क जी ने उसे नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निरिध्यासितव्यः आदि वचनों के द्वारा आत्मतत्व का विज्ञान प्राप्त कराया। तो मैंने क्या संकेत किया, याज्ञवल्क जैसे पति को प्राप्त कर मैत्रेयी ने धन भी प्राप्त किया, काम भी प्राप्त किया,
पति की सेवा करने के कारण धर्म भी प्राप्त किया और अंत में उनसे तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो भगवान के अनन्य शरणागत होते हैं, भगवान ही उनके लिए चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के साधन भी बन जाते हैं। पृथक से उन्हें अर्थ के लिए, धर्म के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह भी एक धर्म ही है। क्या सर्व परम धर्म की सिद्धि के लिए इतर धर्म का परित्याग। ये तो धर्म्यामृतमिदं, क्योंकि संपूर्ण गीता धर्म्यामृत है, तो धर्म के त्याग का विधान भगवान कैसे कर सकते हैं। इसलिए परम धर्म की प्राप्ति के लिए अवांतर लघु धर्म के त्याग का यहाँ पर वर्णन है। भगवान की शरणागति भागवत धर्म है, परम धर्म है। धर्म के लिए धर्म का त्याग, अर्थ के लिए अर्थ का त्याग करना पड़ता है या नहीं, काम के लिए काम का त्याग करना पड़ता है, और कैवल्य मोक्ष के लिए इतर मोक्ष का त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि यहाँ भगवान के जो शरणागत हैं, उनके भगवान ही चारों पुरुषार्थों की दृष्टि से योगक्षेम का निर्वाह करते हैं। इस अभिप्राय से वृत्रासुर ने कहा, स्वर्ग का सम वैभव हो तो या संपदो दिव्य भूमौ रसायाम, चाहे मर्त्यलोक का वैभव हो चाहे रसातल का वैभव हो, अभिप्राय यह त्रिभुवन का ही वैभव क्यों न हो जाए। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों का वैभव क्यों न प्राप्त हो जाए। उससे तो द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इसलिए जो भगवान के जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त होते हैं, वे तो अर्थ के पक्षधर नहीं होते, अर्थ को अनर्थ समझकर भगवान में प्रीति, भगवत प्रेम के लिए ही करते हैं, या फिर भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। साधन सिद्धि रामपद नेहु, या साधन साध्य साधन सिद्धि रामपद नेहु, मोहिलखि पदत भरत मत एहु। यहाँ भी समझना चाहिए, भक्तों में अद्भुत त्याग का वैभव होता है, क्योंकि वे अर्थार्थी नहीं होते। अर्थ अर्थार्थी भक्त से ऊंचे भक्त का नाम जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त होता है, और प्रेमी भक्त तो और उत्कृष्ट माने गए। कहाँ लगता है कि कोई दैत्य राक्षस बोल रहा है, इसकी बृहद व्याख्या पिछले दिनों की गई। दुर्दैव के दुर्विपाक से अच्छे व्यक्ति जो हैं उनसे भी प्रमाद होता है। विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, बड़ों से टकराने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महापुरुष की गतिविधि का रहस्य समझने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें उपदेश देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ऋषि मुनियों के बीच में बैठे थे, पार्वती जी के शरीर पर एक हाथ ऐसे रखे थे, एक प्रकार से गोद में बैठा कर ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। बाहर से तो बहुत उत्पटांग चेष्टा यह दृष्टिगोचर थी, लेकिन ऋषि मुनि शिव और पार्वती के तात्विक स्वरूप को समझकर निर्विकार होकर बैठे थे, और भगवान शिव को भी निर्विकार ही समझ रहे थे। शिव और शक्ति दोनों संश्लिष्ट नहीं होंगे तो कहाँ शक्ति कहाँ रहेगी। यह जो आध्यात्मिक तथ्य है, और गिरा अर्थ
जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, शब्द और अर्थ दोनों संश्लिष्ट सरीखे परिलक्षित होते हैं। यह जो दार्शनिक तथ्य है उसी के मूर्त रूप अभिव्यक्त स्वरूप भगवान शिव और पार्वती हैं। परब्रह्म और शब्द ब्रह्म का संश्लेष होता ही है, इसलिए ऋषियों के मन में कोई शिव जी को लेकर द्वैधी भाव नहीं था। ये उठपटांग चेष्टा कर रहे हैं, वो बहुत आस्थापूर्वक उनके उपदेश को सुन रहे थे। लेकिन उधर आ गया चित्रकेतु, दिव्य गति थी, विमान से लोक लोकांतरों में भ्रमण करता था, देवर्षि नारद का कृपा पात्र था, अंगिरा महर्षि का कृपा पात्र था, संकर्षण भगवान शेषनाग का भक्त था। दिव्य गति थी, अबाध गति थी लोक लोकांतरों में। यह सब होने पर भी वो टकरा गया शिव से। निर्लज्ज कहीं के सामान्य गृहस्थ भी इस प्रकार पत्नी को गोद में रखकर, उसके शरीर पर हाथ रखकर महापुरुषों से बातचीत नहीं करते। एकांत में जो चेष्टा करनी चाहिए तुम सार्वजनिक रूप से करते हो, तनिक भी लज्जा का तुम्हें अनुभव नहीं होता। भगवान शिव निर्विकार बने रहे, मुस्कुराते रहे। वो जानते थे कि ये भगवान का भक्त है, बच्चों से प्रमाद होता है, ये हमारे स्वरूप को नहीं समझकर इस प्रकार बोल रहा है। देवी पार्वती से नहीं रहा गया। अच्छा, तुमको उपदेश के पात्र हम ही मिले, कटाक्ष कर रहे हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। लेकिन शाप देते देते भी मुँह से निकल गया पुत्र, अरे वो पुत्र असुर हो जाओ। चित्रकेतु चाहता तो बदले में शाप दे सकता था, लेकिन उसने धैर्य का परिचय दिया, नतमस्तक होकर देवी के शाप को स्वीकार किया। प्रमाद का क्या क्या फल होता है बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ विवेचन किया जा चुका है, उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रमाद चाहे किसी से क्यों न हो, उसका फल बहुत भयंकर होता है। न इस प्रकार का प्रमाद किया होता न असुर बनना होता। लेकिन दुर्दैव के दुर्विपाक से भूल हो जाती है, भूल होने पर भी वो भूल शूल के समान कष्ट भी देती है। ऐसा होने पर भी पूर्व सद्गुण साधन भजन ये विलुप्त नहीं होते, उसके जीवन में कभी कभी पूर्व साधन इत्यादि का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। लेकिन आसुर भाव का भी तांडव नृत्य होता है। कोई कोई ऐसे भक्त होते हैं जिनमें दोनों का प्रकल्प चलता रहता है, अंतःप्रज्ञा विवेकमयी होती है, भक्तिमयी होती है, दैवी संपद से भरपूर उसका जीवन तो नहीं लेकिन अंतःकरण अवश्य होता है, लेकिन बाहर शाप का अद्भुत प्रभाव होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें दिव्यता नहीं के बराबर रहती है, उग्रता ही उग्रता होती है, जैसे कंस इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि में। लेकिन कंस को भी आखिर इतना ज्ञान था कि देवता झूठ नहीं बोलते, परलोक में उसकी भी आस्था थी, देवताओं में उसकी भी आस्था थी। दुर्योधन भी छात्र धर्म के अनुसार मारे जाने पर सदगति होती है, इतना विज्ञान दैवी संपत्ति के अनुसार संजो कर हृदय में रखे हुए था। वर्ण व्यवस्था के प्रति उसकी भी आस्था थी, यज्ञ के प्रति उसकी भी आस्था थी, परलोक के प्रति उसकी भी आस्था थी, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, इतनी आस्था दुर्योधन को भी थी। यहाँ नहीं, इतना ही नहीं,
जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ऐसा नहीं था कि धर्म को अधर्म समझता हो या धर्म को धर्म समझता हो। आजकल के लोगों का स्तर तो दुर्योधन से भी घटिया है। विकास को विनाश, विनाश को विकास समझते हैं, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझते हैं। दुर्योधन ने क्या कहा? पांडव गीता का यह वचन है, महाभारत में भी प्रकार अंतर से है। महाभारत में अंतिम चरण है यथा नियुक्तोस्मि तथा भवामि, पांडव गीता में यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वह श्लोक हमने महाभारत में चिन्हित किया था, वह नहीं मिल रहा है। एक ग्रंथ लिखने में उसकी आवश्यकता है। पांडव गीता में तो यह श्लोक है ही, महाभारत में इसका भाव सन्निहित है। मूल श्लोक यह पांडव गीता का है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसा नहीं कि धर्म को मैं अधर्म जानता हूँ या धर्म को धर्म समझता हूँ, धर्म को धर्म ही समझता हूँ, अधर्म को अधर्म ही समझता हूँ। फिर लाचारी क्या है? लाचारी यह है कि धर्म को धर्म समझता हुआ भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अधर्म को अधर्म समझता हुआ अधर्म से निवृत्त में नहीं हो सकता। ऐसे अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। गीता का तीसरा अध्याय। व्यक्ति धर्म को धर्म समझता है, अधर्म को अधर्म समझता है, अधर्म से बचने का प्रयास भी करता है। कौन सी ऐसी शक्ति है जैसे कोई बैल को जुआ में जोत दे हल में, ऐसे ही हठात उससे अधर्म करा लेती है, उसका मुझे परिज्ञान या परिचय चाहिए। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। इधर कहा केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः, न चाहता हुआ भी। इसका उत्तर क्या दिया? काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः, यह काम या क्रोध रजोगुण का उद्भावक और रजोगुण से उद्भूत यह काम या क्रोध क्या करता है? व्यक्ति को अनिच्छन्नपि न चाहता हुआ भी अधर्म में जोड़ देता है। तो दुर्योधन में भी इतना तो दैवी प्रकल्प था, इतनी तो दैवी संपत्ति थी कि वह धर्म को अधर्म समझता था, धर्म को धर्म समझता था। वो स्पष्ट कहता था, मैंने अत्याचार पूर्वक अन्याय पूर्वक तुम्हारी संपत्ति का अपहरण किया, स्पष्ट कहता था। लेकिन इधर बहुत ऊंची स्थिति है। किसकी? वृत्रासुर की। इतनी उपासना उसने की थी संकर्षण भगवान की, अंगिरा महर्षि की, नारद जी की, जिसके प्रभाव से भगवती पार्वती के द्वारा शापित होने पर, विकराल विग्रह से युक्त होने पर भी आसुर भाव पराक्रम में तो दिखाई पड़ता था, लेकिन वाणी में कोई आसुर भाव नहीं। कहीं कहीं वाणी में आसुर भाव का उद्रेक हुआ भी तत्काल उसने उसका शमन कर दिया। जैसे मैंने कल परसों कहा था, अरे इंद्र देख, अभी मैं अपने पराक्रम से तुझे मार डालता हूँ, तू जैसा पापी गुरुद्रोही ब्रह्म हत्यारा अराजक का मेरे हाथ नाश होगा, तू मरेगा, तू जैसे पापी के शव को आग भी नहीं जलाना पसंद करेगी, ऐसी स्थिति में तेरे शव को नोच नोच कर पशु पक्षी खाएंगे, यह कह दिया। तत्काल चेता, नहीं नहीं तुम्हारी यह दुर्गति नहीं होगी, ऐसा लगता है कि शीघ्र ही तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त वज्र के प्रभाव से मेरा ही मस्तक कट जाएगा,
चलो मैं अभी से सब शरीर को दान दे देता हूँ, ये पक्षी सियार इत्यादि पशु मेरे शरीर के उपभोक्ता बन जाएं, और जो मैं जीव हूँ अपने इष्ट देव शंकरसन के चरणों में विलीन हो जाऊँ। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत अच्छा कहा, जो भगवान के चरणों में निमग्न होते हैं, जिनका मन भगवत चरणों का आस्वादन करता रहता है, उनका पोषण तो उसी से होता है, फिर वे स्वर्ग पृथ्वी या रसातल का वैभव क्यों चाहें। हमारे पास रुपया देने के लिए नहीं, रोने के लिए बहुत धनी लोग आते हैं। जब मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था तो अभी अच्छे अच्छे धनी आते थे, रुपया नहीं देते थे। वो कहते थे जिन रुपयों से मैं रो रहा हूँ वो रुपया मैं कैसे दूँ आपको। इस पर विभाजी का एक व्यक्ति कहता था, जो रुपये मुझको रुला रहे हैं वो रुपया मैं आपको कैसे दूँ, एक रुपया नहीं देते थे, लेकिन एकांत में रो के चले जाते, रुपया इतना पसंद था। कहीं जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ रुपया खर्च नहीं करते थे, मेरे पास आकर कहते थे, महाराज दीपावली के दिन मेरा एक बेटा नष्ट हो गया, पत्नी के कहने पर मैंने पत्नी के भाई या किसी को गोद ले लिया, अब वो जुआरी शराबी है, मेरे धन का नाश किए जा रहा है, बेटे की मौत हो गई वह शोक, अब धन जा रहा है। लेकिन ऐसा धन मैं आपको कैसे दूं जो धन मुझे रुला रहा। बड़ी विकट महिमा, ऐसा धन मैं आपको कैसे दूं, भले ही जुआरी बेटा गोद लिया हुआ सारा धन नष्ट कर दे शराब में जुआ में, लेकिन आप जैसे महापुरुष को मैं उस धन को कैसे दे सकता हूं। जो धन मुझे रुला रहा है वो धन आपके पास ना जाइए, अच्छा मांग कौन रहा था, अपनी ओर से बोल रहा था। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यही होता है कि धनी कितने दुखी होते हैं हम लोग जानते हैं ना, बाहर तो ऐठा करके चलते हैं और हमारा लोग के पास आकर रोने लगते, महाराज यह विपत्ति इतना घाटा इतना कर्ज। तब हम सोचते हैं कि ऐसे धनी की अपेक्षा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, क्यों कर्ज तो नहीं है, मठ को कोई कर्ज तो नहीं है, चल रहा है, भगवान उतना दे देते हैं जिससे मठ चलता है, कर्जदार तो मठ नहीं है, कोई भूखे तो नहीं रहता मठ में, ऐसा तो नहीं है कि लोगों के रहने के लिए कुटिया नहीं है, उन धनियों की अपेक्षा तो बहुत अच्छे हैं हम लोग हैं क्या, बहुत अच्छे हैं, गोधन को अभी भोजन मिलता ही है, सेवक मिलता ही है, मठ भी चलता ही है, लेकिन उन जिनको हम समझते हैं कि करोड़ों रुपये से खेलते हैं उनका रोना बड़ा विकट होता। तो हमने क्या संकेत किया, द्वेष उद्वेग अभिमान मानसिक पीड़ा कलह दुख परिश्रम धन के ये सब उपहार हैं। 15 अनर्थ अर्थ के गर्भ से निकलते हैं, श्रीमद् भागवत 11 स्कंध अध्याय 23 में उन 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ पुरुषार्थ होता है। तो यह भगवान का कौन था, अर्थार्थी भक्त नहीं था ना, कौन मृत्रासुर, अर्थार्थी भक्त भी अच्छे हैं, भगवान से ही अर्थ चाहते हैं औरों से नहीं, लेकिन ये अर्थार्थी भक्त नहीं। अब क्या कहता है, त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यै। दिव्यवाणी है, नहीं लग रहा है कि कोई असुर बोल रहा है, नहीं लग रहा है कि कोई शापित आतंकवादी बोल रहा है, बहुत विकट स्थिति, प्रमाद अच्छे व्यक्ति से भी हो जाता है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ भी उसका अनुगमन करती हैं क्या।
प्रमाद का फल आगे होता है, हाँ, और दिव्यता का फल पीछे होता है। पीछे से दिव्यता साधे रहती है। प्रमाद तो देवराज इंद्र से भी हुआ, बृहस्पति जी का सम्मान न करने के कारण उसे कितनी यातना भोगनी पड़ी, लेकिन बृहस्पति जी ने श्राप नहीं दिया। और यहाँ तो पार्वती के द्वारा श्रापित हो गया, तो बहुत बढ़िया भाव है। त्रैवर्ग काया सभी घात मस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र तत्वनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यः। एक से एक श्लोक भाव बहुत दिव्य हैं। लगता है कोई अत्यंत तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ महापुरुष बोल रहे हों। तपोनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ थे ही ये। एक प्रमाद के कारण आज असुर होकर परिलक्षित हो रहे वित्रासुर। कृपा और कृपा में अंतर है। कृपा के कोटि का स्तर का निर्धारण करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा भ्रम हो जाता। क्या हमने बताया ना अपना अनुभव, पाठ्य पुस्तकें सिराने के पास होती थी, इससे आधा इतना बड़े हॉल में अकेले रहता था बरसाती में। ऊपर दो ओर से खुला हुआ, ठंड भी बहुत लगती थी, लेकिन कहीं गृहस्थों के बीच में कमरे में रहना पसंद नहीं था, छत पे रहता था बरसाती में। बस यहीं ज़मीन पर बिस्तर, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और कोई सामग्री नहीं, एक केवल गीता का गुटका और कुछ नहीं। जो ही परीक्षा के दिन नज़दीक आते, जो ही जिस विषय की परीक्षा होती पुस्तक लुप्त हो जाती, परीक्षा दे के आता पुस्तक प्रकट हो जाती सामने। हाँ, 10 दिन पहले से ही पुस्तक लुप्त होने हो जाती, कोई चुराने वाला नहीं। बहुत स्नेह सम्मान हमें साथी भी देते थे, कोई हमारे पास आके बातचीत भी नहीं करते। हमको अध्यापक से ज़्यादा स्नेह और सम्मान साथियों का प्राप्त था। परीक्षा दे के आता सामने पुस्तक प्रकट हो जाता। यह घटना जब 2 वर्षों तक चली तो मैंने सोचा यह भगवान की ओर से कोई संकेत है, इधर की पढ़ाई तुम्हारी हो गई, अब कोई और पढ़ाई की ओर चलो। मैंने कहा चल दिया। आश्चर्य है या नहीं, कोई भूत प्रेत थोड़े लगा था। भूत प्रेत तो हम लोगों के नाम सुनकर ही भगते हैं, वो भूत प्रेत हमको क्या लगेंगे। भूत प्रेत तो हम लोगों के नाम सुनकर भगते हैं, भूत प्रेत हमको क्या लगेंगे, लेकिन भगवान संकेत देते हैं। एक समय हुआ था जब सारे प्रश्न पत्र स्वप्न में आ जाते थे। परिश्रम तो बहुत करता था पढ़ने में, लेकिन सारे प्रश्न पत्र हमारे स्वप्न में आ जाते थे। एक दिन हुआ था कि पाठ्य पुस्तकें ही लुप्त हो जाती थी, तो हमने सोचा वह दिन अच्छा था, याद वो भी अच्छा था, आज भी यह भी अच्छा है, भगवान का संकेत है, दूसरी पढ़ाई की ओर चलो। चलो भाई, जिधर भगवान ले जाएं चल पड़े। ऐसा नहीं कि अब आध्यात्मिक की पुस्तकें लुप्त हों। जहाँ मैं बैठता हूँ कंप्यूटर पर काम करने, 50 पुस्तकें तो अगल बगल होती हैं, अभी देख सकते हैं। प्रदर्शनी के लिए नहीं, उतने पुस्तक की कम से कम आवश्यकता होती है। तो हमने क्या कहा, वो भी अनुग्रह था, यह भी अनुग्रह। आर्त अर्थार्थी पर क्या अनुग्रह है, संकट मोचन बन जाए भगवान, संकट का त्राण हो जाए, ये आर्त भक्तों पर भगवान का अनुग्रह। रिद्धि सिद्धियों से धन वैभव से भर दें घर, अर्थार्थी भक्तों पर भगवान का अनुग्रह। लेकिन जिज्ञासु भक्तों पर अनुग्रह क्या होता है, बहुत ऊंचा सिद्धांत। भगवान ने कहा जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन पहले हर लेता हूँ। जिस पर अनुग्रह करता हूँ धन ही हरण कर लेता हूँ। आगे वो धन कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए जितने प्रयास करता है उस पर पानी फेर देता हूँ।
फिर भी वह मेरी भाषा मेरा संकेत नहीं समझता है तो रिश्तेदार नातेदार घर के व्यक्तियों से वैमनस्य पैदा कर देता हूँ, कटुता पैदा कर देता हूँ। धन के बिना कोई पूछने लगे तब तो सच्चे रिश्तेदार नातेदार ना, गरीबी के दिनों में रिश्तेदार नातेदार कितने रह जाते हैं। उसके बाद भी नहीं समझता, निवृत्ति मार्ग पर नहीं चलना चाहता तो शरीर में ऐसा रोग दे देता हूँ कि भजन के समय वो रोग व्यापे नहीं और प्रवृत्ति के मार्ग पर चलने में वो रोग सतावे। यस्याहम अनुगृह्णामि, यह भी भगवान का अनुग्रह है। बहुत से व्यक्ति सफलता का रहस्य नहीं जानते। अब वो अलग बात है कि जिसमें जिनका अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र जपने लग जाए तो विपत्ति तो आएगी। जो गायत्री मंत्र की शक्ति को पचा नहीं सकते वो गायत्री मंत्र जपेंगे तो बीमार पड़ेंगे, धन नष्ट होगा, रोएंगे, कलह होगा, पिटाई खाएंगे, सब मंत्र रुला देता है, पागल बना देता है। लेकिन विधिवत साधन करने पर भी विपत्ति आती है, वो विपत्ति संकेत देती है विरक्ति की ओर। व्यक्ति समझते हैं कि हमारा पद क्या साधन बिगड़ गया, बिगड़ नहीं गया वो सफलता, ऐसे ही। तो यहाँ पर सफलता को परखने की दृष्टि भी तो चाहिए ना। अब सीधे क्या कहें, वृत्रासुर ने बहुत सुमंगल भाव व्यक्त किया, त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत्पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यः। अरे वो इंद्र सुन, हमारे स्वामी शंकरसन भगवान शेषनाग अनंत अपने भक्तों के या भक्त के अर्थ धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर देते हैं, पानी फेर देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के जितने आयाम होते हैं भगवान सफल नहीं हो देते। आर्थ अर्थार्थी को जिज्ञासु बनाने की अविधा है, उनको धन दे दें, उनकी विपत्ति का अपहरण कर लें, वो उन पे अनुग्रह। और यहाँ क्या अनुग्रह है, अरे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ खिलौना देती है ख्याल खरीद करके, अब जब विद्यालय में जाने के दिन होते हैं तो खिलौना छीनती जाती है धीरे धीरे, तो वो अनुग्रह या कोप, दोनों ही अनुग्रह है नहीं क्या। अब खेलते ही रहेगा वो, झुनझुन झुनझुन करते रहेगा तो पढ़ेगा कैसे, खिलौने में कटौती और एक कमरे ही भर दे खिलौना ला करके, पहले कमरा भर दे, एक दो हज़ार के खिलौने ला के दे दें, पुरानी बात, आजकल दस दस हज़ार के, वो भी माँ की कृपा है, और एक एक खिलौने छीनती जाए। अब विद्यालय की ओर जो क्या पुस्तक पकड़ा दे, स्लेट पकड़ा दे, चाक पकड़ा दे, ये भी तो है ना, यह है तो दोनों अनुग्रह है। ये थोड़े कि खिलौना दे दिया तो माँ माँ हो गई, खिलौना छीन लिया तो माँ माँ नहीं रहेगी, ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया, प्रवृत्ति मार्ग के लिए धर्म अर्थ काम के जितने प्रयास करते हैं मेरे भगवान अपने भक्त के उस प्रयास को विफल कर देते हैं। कभी कभी मैं एकांत में सोचता हूँ, अब तो मुझसे वो दोनों बड़े भाई का शरीर पूरा हो चुका है ऐसा सुना है, तो एक भाई DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली किशनगंज में हमको साइंस की दृष्टि से दाखिला कराने गए, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली क्लॉथ मिल का, तो वहाँ पर अंदर का नियम था कि दिल्ली क्लॉथ मिल में जो काम करते हैं उन्हीं का बेटा भाई पढ़ सकता है, सरकारी नियम था कि दूसरे को भी लेना पड़ेगा। तो वो लोग ऐसे विकट व्यवहार करते थे कि बाहर का कोई विद्यार्थी न लिया जा सके, और सरकार से बचने के लिए कहते थे हम तो सबके लिए खुले हुए हैं, हम तो तिब्बिया कॉलेज वाले थे, तो फिजिक्स
भौतिक विज्ञान के जो अध्यापक थे वो आर्य समाजी भी थे, वो परीक्षा लेने आए। परीक्षा देनी होगी तब तुम्हारा दाखिला होगा, हमारे बड़े भाई लेके गए थे। तो फिर उसने कहा कि तुम तो प्रथम श्रेणी से पास हो, आर्ट साइड से फिर साइंस क्यों लेना चाहते हो? ये बोल, बहुत ज़ोर से झिड़क के कहा, ये बोल साइंस क्यों लेना चाहता है? बहुत गरज के ताकि मैं डर जाऊँ। मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना है। अब मैं सोच के थोड़े गया था, मुझे थोड़े मालूम था यह प्रश्न किया जाएगा। मैं उससे ज़ोर से बोला विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना। अब मेरे भाई भी घबरा गए। मैंने बहुत ज़ोर से कहा, जितने ज़ोर से अध्यापक ने कहा, ऐ प्रथम श्रेणी से पास होकर आर्ट साइड से आया, साइंस क्यों लेना चाहता? ऐसे बोला। मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना इसलिए। बड़े बड़े भाई तो घबरा गए। उसने कहा इस व्यक्ति की परीक्षा नहीं ली जा सकती जिसका इतना बड़ा उद्देश्य। अब मुझे तो बाबा बनना था, वैज्ञानिक बनना नहीं था, तो झूठ तो बोला नहीं। अब मैं सोचता हूँ वाणी निकल गई बिना सोचे समझे, वो वाणी मिथ्या तो नहीं हो सकती। कई साल पहले मैंने सोचा बीच बीच में, होना था बाबा, बोल दिया वैज्ञानिक, झूठ नहीं बोला, निकल गया। विज्ञान में रुचि भी थी, तो क्या वो मेरा वाक्य मिथ्या सिद्ध हो गया? भविष्य बताएगा। अभी तो गणित पर 13वां ग्रंथ लिख रहा हूँ, 12 जो ग्रंथ हैं अभी 11वां ग्रंथ शायद आज पूरा हो जाए या कल, 100 पृष्ठों में 11वां ग्रंथ पूरा होके रखा हुआ है कंप्यूटर में। भविष्य बताएगा, शरीर तो नश्वर है, जीवन काल में या बाद सचमुच में विश्व में गणित के तो ये ग्रंथ विज्ञान 5-7 हज़ार वर्ष पहले से लुप्त थे। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया? भगवान उधर ले जाएं तो अनुग्रह, इधर ले जाएं तो अनुग्रह। क्या यहाँ क्या है? उन्होंने कहा कि जो निवृत्ति मार्ग के पथिक होने योग्य हैं, भगवान क्या करते हैं, बीच बीच में चपत लगाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में उसके धर्म को लेकर, अर्थ को लेकर, काम को लेकर जितने पुरुषार्थ होते हैं, प्रयास होते हैं, उस पर पानी फेरते रहते हैं। विघात कहा, त्रैवर्ग का यास विघात मस्मत विघातम। त्रैवर्ग धर्म अर्थ काम के लिए जो भी प्रयास करता है प्रवृत्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए, भगवान एक एक पर पानी फेरते जाते। भाई विचित्र हैं भगवान। सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। भगवान की कृपा को समझना भी बहुत विकट है ना। लोग समझते हैं भगवान की कृपा है या भूत लग गया मुझको, अपने बारे में लोग सोचते हैं क्या? प्रायः भ्रम होता है कि भगवान की कृपा नहीं, लगता है कोई भूत मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। अब उनको ये नहीं पता धर्म का असली फल क्या है जी। धर्म से विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, वेद बखाना। धर्म का असली फल क्या है? वैराग्य। अब वैराग्य के जो वानक बनाते हैं भगवान, लोग समझता है हम भगवान की उपासना करते कि भूत तो नहीं लग गया। वैराग्य के जो भगवान वानक बनाते हैं, धर्म का असली फल है वैराग्य। धर्म ते विरति, वैराग्य की घाटी जब भगवान ला देते हैं तो व्यक्ति समझता है कोप हो गया, उपासना फली नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसका अर्थ हुआ कि उनको ये विवेक नहीं है कि आपको तो फल मिल रहा है, आप समझते हैं कोप है, ये तो कृपा है। यही बात यहाँ कही, पतिर विधत्ते पुरुषस्य शक्र, ये भगवान की अनुकंपा है, इसको ततोनुमेयो भगवत प्रसाद, अनुमान करना चाहिए कि भगवान की कृपा बरस रही है, बरस रही है। प्रवृत्ति पर व्यवसायी धर्म का मार्ग भी विलुप्त हो रहा है। प्रवृत्ति पर व्यवसायी जो धर्म है उसमें विघ्न पड़ रहा है, अर्थ के मार्ग में विघ्न पड़ता है, काम के मार्ग में विघ्न पड़ता है। या तो भगवान का बहुत अनुग्रह है, हमको तो मोक्ष के मार्ग पर भगवान ले जाना चाहते हैं,
तो व्यक्ति जो है सफलता को असफलता समझ लेता, असफलता को सफलता समझ लेता है। बड़ी विचित्र बात। कुछ लोग कहते हैं 25 साल तो हमारे देखते हुए हो गए, शंकराचार्य के पद पर आप हैं, दिन रात राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, कुछ सफलता मिली क्या? तो हम उनको कहते हैं, सफलता जो मिली उसको परखने की दृष्टि आपको मिली है क्या? हमको जो सफलता मिल रही है उसको परखने की दृष्टि आपके पास नहीं है, आप परख ही नहीं सकते। बाहर से लगता है गोहत्या भी वैसा ही है, ये है वो है, कुछ भी तो सफलता नहीं मिल रही। अब उनको क्या बतावें कितनी सफलता मिल रही है। इसी प्रकार से व्यक्ति भगवान की अनुकंपा को कोप समझ लेता है, अतः सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा को कृपा समझने की क्षमता तो जीवन में उदित हो। बहुत बढ़िया। ततो नुमेयो भगवत प्रसाद, अनुमान अनुमेय है, अनुमान करने योग्य है, भगवान की कृपा है, आह भगवान की कृपा है। कबीर बाबा ने क्या लिखा, बहे बहाये जात थे लोक वेद के साथ, वहाँ हियते यवशो पिसा, गीता का 6वां अध्याय। अवश्य प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता भगवान, नहीं तू इस मार्ग का नहीं है, खींच करके निवृत्ति मार्ग पर ला देते हैं। अवश्य रियते यवशो पिसा, न चाहता हुआ भी भगवान क्या करते, प्रवृत्ति मार्ग से खींच करके निवृत्ति मार्ग पर डाल देते। योग भ्रष्टता के संस्कार जब प्रबल हो जाते हैं तो भोग मार्ग पर वो चलने नहीं देते। अब भोग भ्रष्टता के संस्कार जब बहुत प्रबल होते हैं तो योग मार्ग से खींच करके उसको फेंक देते हैं, भोग मार्ग पर पटक देते हैं। यह है, यह भगवान की कृपा है। अगर कोई भगवत भक्त धर्म अर्थ काम का आलम्बन लेता है, प्रवृत्ति पर व्यवसायी धर्म में भी विघ्न पड़े, बार बार विघ्न पड़े, इसको यह मत समझिए कि किसी ने यंत्र मंत्र कर दिया, यंत्र मंत्र टोना कर दिया या भूत लगा दिया। प्राय लोग कहते हैं महाराज मेरे ऊपर भूत लग गया है, किसी ने छोड़ दिया। अरे भूत नहीं, भगवान लगे। क्या भूत लगे हैं या भगवान? एक व्यक्ति ने, वो वैश्य था, शादीशुदा नहीं था, एक दंडी स्वामी का शिष्य था, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। उसने एक बार कहा, 40 साल पहले की बात होगी, महाराज कोई जन्मपत्री आपकी है? हमने कहा हमारे पास तो है नहीं, जन्मतिथि भी हमको नहीं याद है। जन्मपत्री मिल जाए तो किसी ज्योतिषी से दिखाइए, मैंने सुना है आपको संकट ही संकट, कष्ट ही कष्ट मिलता रहता। हमने कहा कि हमको कम कष्ट मिलता है, प्रहलाद को ज़्यादा कष्ट मिलता था। अब तो मेरा जीवन देखोगे बचपन से, मेरे सामने तो मेरा जीवन है, प्रहलाद से मुझे भी कम कष्ट नहीं मिला है, इसको हम क्या समझें? हमने कहा हमारी बात छोड़ दो, प्रहलाद की बात छोड़ दो, जो भगवान अवतार लेते हैं तो कितना कष्ट मिलता है, अब उनको भी ज्योतिषियों के पास जन्मपत्र दिखाना चाहिए। भगवान का जन्म कर्म के फलस्वरूप होता है क्या? निज इच्छा निर्मित तन। अरे भाई जन्म की सार्थकता यही है ना, अराजक तत्वों से जूझो, क्या दिव्य इतिहास की संरचना करो, संघर्ष मोल लो, यही तो जीवन की सार्थकता है। अब भगवान के जन्म पत्री दिखाते रहो कि आप पे कौन ग्रह लग गया। श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने बहुत बढ़िया कहा, वो तो इतने बड़े ज्योतिषी थे कि नारी देख कर जन्म पत्री बना देते थे। हाँ नारी देख कर, वैद्य भी बहुत ऊंचे थे, वैदिक मैथमेटिक्स जिन्होंने विश्व को दिया, उनके शिष्य कोई ऐसे नहीं निकले ना। अगर वो मंजुला त्रिवेदी ना होती शिष्या, तो वैदिक गणित भी वो जो दे गए वो विश्व को कहाँ मिलता। अमेरिका में पांडुलिपि छोड़ आए थे वो शिष्या, ना वो थी स्वामी नारायण संप्रदाय की, महाराज में आस्था रखती थी। एक महिला ना मिली होती तो भारती कृष्ण महाराज के एक भी ग्रंथ हमको सुलभ नहीं होते, केवल सूची में नाम होता इस पीठ के शंकराचार्य थे, इतने बड़े ज्योतिषी थे। तो नारी देखकर जन्मपत्री बना देते थे, लेकिन उनका एक ग्रंथ है अंग्रेजी में सनातन धर्म, उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से प्रकाशित है, मूल भी
वहाँ उन्होंने लिखा है, कहा है, भगवान का भी अवतार होगा तो राहु केतु को मंगल को कहीं बैठने के लिए स्थान मिलेगा या नहीं? क्या जिसका जन्म हुआ है लीला पूर्वक सही, भगवान का ही अवतार क्यों ना हो, राहु कहीं बैठेगा या नहीं, केतु कहीं बैठेगा या नहीं, मंगल कहीं बैठेगा या नहीं, तो राहु केतु अपना प्रभाव दिखाएगा या नहीं? तो हमारी तो बात क्या, हम लोग किस खेत की मोली हैं, भगवान का भी अवतार होगा तो उनके जन्मपत्री बनाई जाएगी, तो कहीं तो राहु को बैठने के लिए दोगे या नहीं, कहीं केतु को बैठने के लिए दोगे या नहीं? जहाँ राहु केतु मंगल बैठेगा वो कुछ ना कुछ उपद्रव करते ही रहेगा, ये तो जीवन की लीला है। इसलिए भगवान का अनुग्रह है कि प्रवृत्ति मार्ग पर सफलता, प्रवृत्ति मार्ग पर चलने पर सफलता न मिले, असफलता ही असफलता, बहुत अनुग्रह है। आगे क्या कहा, समय हो गया। यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यई है, ऐसा जो कृपा प्रसाद भगवान का है अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो विपत्ति ही विपत्ति है। अनुग्रह को कोप, अनुकंपा को कोप समझने वाले ही बहुत से लोग होते हैं। वो प्रकृति, प्रकृति जो संकेत करती है भगवान की शक्ति दूती, उसको समझ नहीं पाते। भगवान जिसको दंड देना चाहते हैं ना, उत्पटांग काम करे, उनकी शक्ति प्रकृति धीरे से पहले चांटा लगाती, फिर भी ना समझे तो और जोर से चांटा लगाती, फिर भी ना समझे तो और जोर से चांटा लगाती, संभल जाए तो चांटा लगाना बंद कर देती। इसी प्रकार से भगवान की जो कृपा है, क्या है, प्रवृत्ति मार्ग से कर्षित करके निवृत्ति मार्ग पर डाल देना, अनुकंपा है ना, ये भगवान की अनुकंपा है। लेकिन यहाँ क्या कहा, यहाँ बहुत है, यो दुर्लभो किंचन गोचर, अकिंचन जो है त्यागी तपस्वी भगवत भक्त, वो भगवान की इस कृपा को कृपा समझ पाते हैं, अन्य लोग तो कोप ही समझते हैं। दूसरे लोग क्या कहते हैं, इन जैसा कोई पापी होगा, इन जैसा कोई अभागा होगा क्या? बहुत विचित्र बात है, एक चुटकुला सुना दें, सच्ची घटना है। एक हमारे पूज्य गुरुदेव के मित्र जैसे सन्यासी थे, गढ़वाल के धनोरा मंडी उत्तर प्रदेश में बाद में रहते थे, हीरानंद पहाड़ी, उनके यहाँ मैं 3 दिन रहा हूँ। जब वो युवावस्था में विरक्त शिरोमणि होकर ज्येष्ठ की दोपहरी में गंगा के तट पर नंगे पांव यात्रा कर रहे थे और मन में सोच रहे थे, आहा, विरक्ति का जो आनंद मुझको प्राप्त हो रहा है, क्या वह देवराज इंद्र को भी सुलभ है? उसी समय एक धोबी अपनी धोबिन के साथ कपड़ा धो रहा था गंगा में, धोबिन की दृष्टि चली गई हीरानंद पहाड़ी की ओर। अब दोपहर हो, नंगे पांव हो, बालुका, तप्त बालुका पर चल रहे हों, तो बाहर से तो दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि हम लोग सैकड़ों मील चले हैं, गरम बालू पर भी बहुत चले हैं, बहुत कष्ट प्राप्त किया बाबा होने के बाद। लेकिन वो क्या सोच रहे थे, मुझको जो इस समय विरक्ति का आनंद प्राप्त है, क्या वो देवराज इंद्र को भी सुलभ है? उतने में धोबी ने देख लिया, अपने धोबी को ताना कसते हुए क्या कहा, बार बार तू कहता है घर छोड़ के बाबा बन जाऊंगा, इस बाबा की दुर्गति देख ले, आओ बाबा बनेगा? उसने कहा, नहीं नहीं, अब नहीं बनूंगा, बिल्कुल नहीं, अब नाम लूंगा, क्षमा करो, अब मैं नहीं, धौंस दूंगा। फिर कहा, देख बहू रानी घर में है, रोटी बना रही होगी, ये बाबा तो नंगे पांव बालू पे चल रहा है, झुलस रहा है, ऐसा भी नहीं लगता इसको किसी ने भोजन दिया हो, और हम तुम पानी में गंगा जी में खड़े होके, शीतल गंगा जी में कपड़े धो रहे हैं, इधर घाट पे क्या चप्पल रखी हुई है, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे चप्पल पहन के, बहू रानी भोजन बना रही होगी, इस बाबा के आंसू पोछने वाला कोई है?
आगे भी ताना देगा कि बाबा हो जा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे चरणों का दास बन के रहूँगा, कभी नहीं कहूँगा बाबा हो। बहुत दुर्गति बाबा की है, बताओ। हीरानंद पहाड़ी जी मन ही मन बहुत हंसे, मैं अपने को क्या समझता हूँ, इस धोबिन की दृष्टि में मैं क्या हूँ। वो बात उन्होंने विष्णु आश्रम जी महाराज को बता दी। विष्णु आश्रम जी ने मुझे बताया कि देखो, क्या जिस समय वो सोच रहे थे जो मुझे विरक्ति का आनंद प्राप्त है वो क्या इंद्र को प्राप्त है, उसी समय धोबिन उनको क्या समझ रही थी, इससे भी ज़्यादा विश्व में कोई अभागा है क्या। यही कहते हैं, यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यय। लेकिन जो किंचन है, अंदर से संग्रह परिग्रह रहित हैं, वे भगवान की कृपा को परख सकते हैं क्या। नहीं तो लोग समझते हैं, यज्ञ करते हाथ जला, हाय भगवान का भजन करने लगे, बंटाधार हो गया। बंटाधार हुआ या भगवान की अनुकंपा हुई, तो सार क्या निकला। आर्त अर्थार्थी पर कृपा का स्वरूप अलग है। आर्त अर्थार्थी में जिसको भगवान वरण करके जिज्ञासु बनाना चाहते हैं, उसको प्रवृत्ति मार्ग में रोड़े अटका करके हठात विरक्त होने के लिए क्या विरक्त होने के लिए विवश कर देते हैं। तो यह भी भगवान का अनुग्रह है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्ति मार्ग में सफलता न मिले, समझिए निवृत्ति मार्ग का पथिक भगवान हमको बनाना चाहते हैं। कृपा को परखने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। इस प्रकार से संकेत क्या किया, संकेत यह किया कि अब जो मेरे मरने का मुहूर्त सामने आ रहा है, ये भगवान का अनुग्रह नहीं तो और क्या है। देवी पार्वती के शाप के कारण मैं राक्षस असुर विकराल शरीर वाला बना हूँ, तुम्हारे वज्र का उपयोग करके मानो भगवान ने मेरे मुझे शाप मुक्त करने के लिए ही तुम्हारे हाथ में वज्र पकड़ाया है। उस वज्र का प्रयोग तुम करोगे, देवी के शाप से मुक्त हो जाऊंगा, इस तामस शरीर का परित्याग कर दूंगा। अब तो मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह तुम्हारे वज्र के रूप में बरसने ही वाला है। बहुत ऊंची बात है ना, वज्र के रूप में भगवान का अनुग्रह बरसने वाला है, क्योंकि इसी वज्र के कारण मेरा तामस शापित शरीर का नाश होने वाला है। तो मेरे लिए इससे बढ़िया प्रमोद का विषय क्या हो सकता है। हर हर महादेव।